तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैंगटियान एल्डर चू को बताता है कि वह टाइसेक्ट के एंशियंट र्यून के अंदर जाना चाहता है, जो सुनते ही टाइसेक्ट के मास्टर यानकु इंसान मैंगटियान से बोलते हैं कि वह जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या इसके बावजूद तुम वहां पर जाना चाहते हो? मैंगटियान बोलता है, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद अपने सामने आने वाले सभी खतरों का सामना कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही यानकु इंसान हंसते हुए खड़ा होता है और बोलता है, मैंगटियान तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आई, तो मैं तुम्हें एंशियंट र्यून के अंदर जाने की परमिशन देता हूँ। और अब यानकु इंसान मैंगटियान को बताते हैं कि हर 7 साल में एक बार टाई सेक्ट, हाई स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड पवेलियन अपने सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और फिर उन सभी डिसाइपल्स को एंशियंट र्यून के अंदर भेजा जाता है। पर इसकी एक शर्त है, एंशियंट र्यून के अंदर एक सेक्ट के बस 10 ही डिसाइपल जा सकते हैं। तो एंशियंट र्यून के अंदर जाने से पहले तुम्हें सेक्ट के टॉप 10 जीनियस डिसाइपल में से एक बनना होगा। मैंगटियान बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं काफी आसानी से आपके सेक्ट के सबसे पावरफुल और जीनियस डिसाइपल को हरा सकता हूँ। यह सुनते ही एल्डर चू हंसते हुए बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब वह मास्टर यानकु इंसान से बोलता है, अभी हमारे सेक्ट के पास टोटल 5 होली चाइल्ड मौजूद है, तो फिर क्यों ना हम मैंगटियान को भी अपने सेक्ट का होली चाइल्ड बना ले, जिसके बाद हमारे पास टोटल 6 होली चिल्ड्रन हो जाएंगे। यानकु इंसान बोलता है, यह एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि होली चिल्ड्रन बिना टेस्ट दिए भी एंशियंट र्यून के अंदर जा सकते हैं। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर चीटिंग करना नहीं चाहता हूँ, मैं लिन टियानकुई आप दोनों मास्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरा टेस्ट लें और उस टेस्ट में पास होने के बाद ही मैं एंशियंट र्यून में जाना चाहूंगा। यह सुनते ही एल्डर चू और यानकु इंसान हंसते हुए बोलते हैं, तो फिर जल्दी चलो हम अभी तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तभी मैंगटियान लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मास्टर यह मेरे दोस्त अंकल फेंग है और यह भी आपके टाइसेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। यह सुनते ही यानकु इंसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो फिर क्यों ना हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस दोस्त का भी यहाँ पर टेस्ट ले। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स का टेस्ट हो रहा होता है और वह सभी डिसाइपल्स एक जेड स्टोन के ऊपर हाथ रखकर अपने ब्लड लाइन और मार्शल सोल की पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं, और जिसकी मार्शल सोल और ब्लड लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल होगी उसी को सेक्ट के जीनियस डिसाइपल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं पर सेक्ट के सभी आउटर डिसाइपल मौजूद होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम सभी सेक्ट के आउटर डिसाइपल हैं और हम सभी लोगों के पास यहाँ पर 5th या 6th लेवल की ही मार्शल सोल है, तो हम लोग कभी भी जीनियस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। तभी वहां पर यानकु इंसान अपने साथ सभी लोगों को लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही वहां पर खड़े सभी डिसाइपल्स उसे ग्रीट करते हैं। अब यानकु इंसान आगे बढ़ते हुए वहां पर खड़े सोल्जर से बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर इस साल हमारे सेक्ट को कितने जीनियस डिसाइपल मिले हैं। वहीं पर उन सभी डिसाइपल्स का टेस्ट वह सोल्जर ले रहा होता है जो मैंगटियान से गेट पर मिला था। अब वह सोल्जर यानकु इंसान को बताता है कि इस साल उनके पास टोटल 12 डिसाइपल्स है जिनके पास किंग लेवल की मार्शल सोल है और 3 डिसाइपल्स है जिनके पास एम्परर रैलम की मार्शल सोल है। अब यह सुनते ही यानकु इंसान परेशान होकर बोलने लगता है, पिछले 15 सालों में हाई स्वॉर्ड सेक्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ज़्यादा पावरफुल लोग उसी सेक्ट को ज्वाइन करते हैं, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे हमारा यह सेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। तभी एल्डर चू बोलते हैं, मास्टर यानकु इंसान आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास मैंगटियान है। लिन फेंग भी मैंगटियान का रिजल्ट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पर खड़े सेक्ट के सभी आउटर डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, आखिर एक छोटा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, अब तक तो इसकी मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई होगी, क्योंकि 15 साल की एज के बाद ही किसी की भी मार्शल सोल अवेक होती है, तो आखिर सेक्ट मास्टर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर उस जेड स्टोन के सामने खड़ा मैंगटियान सोच रहा होता है, अगर मैंने इस जगह पर अपने ग्रेट ड्रीम मार्शल सोल का यूज किया तो इन सभी लोगों को मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वह एक एंशियंट गॉड ब्लड लाइन है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी दूसरी मार्शल सोल का यूज करूँ। यह बोलते हुए वह जेड स्टोन को टच करता है
और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा फायर और आइस का एनर्जी ब्लास्ट होता है जो देखकर एल्डर चू भी हैरान हो जाते हैं। और अब अचानक से मैंगटियान की बॉडी के अंदर से एक स्वॉर्ड मार्शल सोल निकलकर बाहर आती है जिसके अंदर फायर और आइस दोनों की ही पावर होती है। यह देखते ही लीन फेंग भी हैरान हो जाता है और बोलता है, आज पहली बार मैं इतने यूनिक स्वॉर्ड मार्शल सोल को देख रहा हूँ। और अब वह आगे बढ़कर मैंगटियान की तारीफ करता है। तभी मैंगटियान बोलता है, यह बस एवरेज है, मेरी मदर ने मुझे बताया है कि मेरे फादर के पास इससे भी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल सोल है। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि टियान कुई के पास गॉड क्लास 6th लेवल डबल एलिमेंट स्वॉर्ड मार्शल सोल है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी आउटर डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इस बच्चे की एज लगभग 3 या 4 साल की होगी, पर यहाँ पर इसके पास एक गॉड मार्शल सोल है और तो और 3 साल की ही एज में इसने अपने मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर लिया है। आखिर यह बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर खड़ा वह सोल्जर सोच रहा होता है, मैं सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ जो पहले ही अपनी गलती मानकर मैंने इस बच्चे के साथ दोस्ती कर ली। तभी मास्टर यान कुई इंसान मैंगटियान के पास आते हुए बोलते हैं, टियान कुई तुम टेस्ट में पास हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें गॉड्स चाइल्ड की उपाधि देना चाहता हूँ और इस उपाधि के मिलने के बाद तुम मेरे टाइस एक्ट के अंडर आने वाले किसी भी फॉरबिडन एरिया के अंदर जा सकते हो। अब यह सुनते ही वहां खड़े सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, इस बच्चे को यहां पर गॉड्स चाइल्ड की उपाधि मिली है, इसका यह मतलब हुआ कि अब इस बच्चे की पोजीशन होली चिल्ड्रन से भी ऊपर है। वहीं पर बैठा साउटियान यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मास्टर आपको भी आगे बढ़कर यह टेस्ट देना चाहिए जिसके बाद मैं इन सभी लोगों का चेहरा देखना चाहता हूँ। पर लीन फेंग उसे वहां पर शांत कर देता है। दूसरी ओर एल्डर चू आगे बढ़ते हुए मैंगटियान से बोलते हैं, टियान कुई मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारे फादर एक रियल गॉड है। मैंगटियान बोलता है, मेरे फादर एक हीरो है जो अभी एक मिशन पर गए हुए हैं। यह सुनते ही एल्डर चू बोलते हैं, तब तो वह पक्का एक रियल गॉड होंगे। अब मैंगटियान आगे बढ़ते हुए लीन फेंग के पास आते हुए बोलता है, अंकल फेंग मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे जाकर उस टेस्ट को दीजिए। यह सुनते ही लीन फेंग टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है जो देखते ही एल्डर चू बोलने लगते हैं, टियान कुई इस पर्सन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से इस पर्सन के पास कम से कम एम्परर रैलम की मार्शल सोल होगी, और अगर इस पर्सन के पास एम्परर रैलम की मार्शल सोल हुई तो यह हमारे सेक्ट का ट्रू डिसाइपल बन सकता है। दूसरी ओर लीन फेंग उस जेड स्टोन के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है, अगर मैंने अभी यहाँ पर अपने कलरलेस मार्शल सोल का यूज किया तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है क्योंकि अभी मेरी कल्टिवेशन डिक्रीज हो गई है, साथ ही साथ मेरे स्वॉर्ड मार्शल सोल को देखकर स्पिरिचुअल डोमेन में मौजूद मेरे फादर के दुश्मनों को पता चल जाएगा कि मैं पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साउटियान का बेटा हूं, तो वह मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए अब मैं यहां पर अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करूंगा। यह सोचते हुए वह उस जेड स्टोन को टच करता है, तभी लीन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक फायर एनर्जी रिलीज होती है और अब उसका फिनिक्स मार्शल सोल निकलकर बाहर आता है जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर एल्डर चू बोल रहे होते हैं, यह तो एक एंशिएंट गॉड मार्शल सोल है। और अब सभी लोग देखते हैं कि लीन फेंग की फिनिक्स मार्शल सोल वहां पर गॉड क्लास के 9th लेवल की होती है, जो देखते ही मास्टर यान कुई इंसान और एल्डर चू के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं पर खड़े सेक्ट के सभी डिसाइपल्स आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं। वहीं खड़ा मैंगटियान सोच रहा होता है, आखिर अंकल फेंग यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो लग रहा था कि इस सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल मैं बनूंगा। तभी एल्डर चू मैंगटियान के पास आते हुए बोलते हैं, टियान कुई क्या यह तुम्हारा दोस्त किसी एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करता है। मैंगटियान बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी यान कुई इंसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो आखिर तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। मैंगटियान बोलता है, मैं टाई सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए इस ओर आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे अंकल फेंग मिले, किसी वजह से इनकी कल्टीवेशन डिक्रीज हो गई थी इसीलिए यह एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब मैं इनसे मिला तो हमने काफी देर तक वहां पर बैठकर बातें की और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। फिर मुझे पता चला कि अंकल फेंग को इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनके पास रहने के लिए भी कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ टाइस एक्ट में ले आया। तभी एल्डर चू बोलते हैं, गोफेंग यहाँ पर काफी आसानी से गॉड चाइल्ड बन सकता है और अगर इसने हमारे टाइस एक्ट को ज्वाइन कर लिया तो हमारा टाइस एक्ट काफी आसानी से हाई स्वॉर्ड सेक्ट को सरपास कर देगा। यह सुनते ही यान कुई इंसान आगे बढ़ते हुए लीन फेंग से बोलता है, गोफेंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट के गॉड चाइल्ड बनो
और अगर तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर मौजूद सभी सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार हूँ। तभी एल्डर चू आगे बढ़ते हुए उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक गॉड चाइल्ड की पोजीशन सेक्ट के एक एल्डर के बराबर होती है, तो लीन फेंग को यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, तब तो मैं भी इस जगह पर एक गॉड चाइल्ड बनना चाहता हूँ। यह सुनकर एल्डर चू और यानकुवेंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलते हैं, हमारे सेक्ट के अंदर गॉड चाइल्ड बनने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, पर यहाँ पर तुम बस एक पेट हो। अभी वहां पर खड़े सभी डिसाइपल्स चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, यह बस एक मामूली सा पक्षी है, बस एक मामूली सा पेट, तो आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को सेक्ट के गॉड चाइल्ड के साथ कंपेयर करने की। यह सुनते ही साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग मेरे सामने बस एक मामूली सी चींटी के बराबर हो जिसे मैं जब चाहूं तब मसल सकता हूं। यह सुनते ही वह सभी डिसाइपल्स साउटियान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखते ही साउटियान भी उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर लीन फेंग उसे वहां पर रोक देता है। और अब वह एल्डर चूकी और आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर मैं साउटियान की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, पर क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आखिर एक गॉड चाइल्ड बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। एल्डर चू उसे बताते हैं कि किसी भी गॉड चाइल्ड की एज 26 साल से कम होनी चाहिए, साथ ही साथ गॉड चाइल्ड के पास गॉड क्लास मार्शल सोल होनी चाहिए। लीन फेंग बोलता है, तो क्या आपका यह टेस्ट मॉन्स्टर्स भी दे सकते हैं। एल्डर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोलते हैं, हाँ सेक्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मॉन्स्टर्स यह टेस्ट नहीं दे सकते हैं। यह सुनते ही लीन फेंग बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप साउटियान को भी यहाँ पर यह टेस्ट देने दीजिए। यह सुनते ही साउटियान वहाँ पर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अब उसे वहाँ पर टेस्ट देने की परमिशन मिल चुकी होती है। अब साउटियान उस जेड स्टोन के सामने जाकर खड़ा होता है और पीछे मुड़कर उन सभी डिसाइपल्स को देखते हुए बोलता है, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, अभी तुम सभी लोगों को यहाँ पर तुम्हारी औकात पता चल जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगते हुए नजर आओगे। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी डिसाइपल्स साउटियान के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर साउटियान उन्हें इग्नोर करते हुए उस जेड स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।